जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर दिन आपको सवालों का चखीरा, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, पोस्ट किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, इस तरह डेली पोस्ट किया जाता है। शेख हसीना सिंह ने, तो करेक्ट आंसर देख सकते हैं, शेख हसीना है। इसी तरह मैक्सिमम क्वेश्चन डेली अपडेट किए जाते हैं, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट्स है, और जिनका ज़्यादा परसेंटेज रहता है वही परसेंटेज जो है आपका 100% राइट आंसर होता है। मतलब किसी का देखिए 10% है, किसी का 20% और किसी का 50%, किसी का 70%। तो मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है वही आंसर होता है। जैसे 70% है तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे वर्तमान में देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि क्वाड समूह में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। 24 सितंबर को वाशिंगटन DC में जो है व्हाइट हाउस में क्वाड समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कौन शामिल होने जा रहा है। तो इसमें देख सकते हैं, एक वोट दिया गया है नरेंद्र मोदी 100%, यानी इसका करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी होगा। ठीक है, इसी तरह आपका अगस्त के लिए जो रूट और एमियर रिचर्डसन को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। पेटीएम बैंक ने जो है फास्टैग शुरू किया है मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी के लिए। कश्मीरी गेट में, तो इसका मुख्यालय नोएडा में है। इसी तरह आप देख सकते हैं, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को। DBS बैंक ने स्विफ्ट के साथ जो है समझौता किया है, मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में DBS बैंक का। इसी तरह आप देख सकते हैं, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह संस्था कहाँ है, पटना में है, जहाँ वह पढ़ाते हैं। तो यह लेटेस्ट करंट अफेयर्स, उसके साथ GK GS ओवरऑल ऑल सभी अपडेट किए जाते हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था, तो 2008 में देख सकते हैं मनाया गया था। इसी तरह बहुत सारे मधुबनी पेंटिंग कहाँ की जो है फेमस पेंटिंग है, तो देख सकते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, बिहार की फेमस पेंटिंग है, 100% राइट आंसर दिया गया, तो बिहार होगा। मतलब आपको सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट ये सेशन है, जिसमें आप अपने वोटिंग के अनुसार अपनी एलिजिबिलिटी को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आप कितना नॉलेजेबल हैं, कितना आपको याद है क्या है। और इससे आपको आने वाले सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण जो है बेनिफिट होगा। तो इसलिए अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को जोड़ें और इस जो है टेस्ट में भाग लेने की कोशिश करें। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का आधारशिला हाल ही में देख सकते हैं नरेंद्र मोदी ने रखी है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जहाँ पे ताले बनाए जाते हैं। वहाँ के महान शिक्षाविद राजा सामाजिक, उनके नाम पर रखा गया है। ताले कहाँ बनते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में देख सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन, घरों में इलेक्ट्रिकल वही चार्ज करने की सुविधा देने वाला पहला देश कौन बना है, तो इंग्लैंड। पारादीप पोर्ट पर लगाया गया मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम, तो पारादीप पोर्ट कहाँ है, भारत के उड़ीसा राज्य में है। पारादीप पोर्ट देख सकते हैं किस राज्य में, उड़ीसा में। जिस प्रश्न का आंसर नहीं मालूम हो, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देख सकते हैं, ई लोक अदालत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर जो है छत्तीसगढ़ होगा, ई लोक अदालत। और ई पंचायत पुरस्कार जो है आपको उत्तर प्रदेश को दिया गया। इसी तरह यूरो कप किस देश ने जीता है, तो इटली ने जीता है, देख सकते हैं। डूरंड कप 130वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ, तो कोलकाता में, जो कि बहुत दिनों से बंद था, और फिर से इस जो है फुटबॉल
को चालू किया गया है। अब देख सकते हैं तीन सर्वश्रेष्ठ गांव पर्यटन गांव के लिए नामित किया गया है, कौन शामिल नहीं है। देखिए इसमें पोचमपली तेलंगाना शामिल है, कोंगथोंग मेघालय शामिल है, लगपुरा घास गांव मध्य प्रदेश में शामिल है, कुनरिया गांव पंचायत में शामिल है, ये गुजरात में है और ये बालिका पंचायत के लिए चुना गया था। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है खोला गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, आनंदी बेन पटेल वहाँ की राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। रेल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में खोला गया है, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं जो 17वीं मुख्यमंत्री हैं, 1,17,000 वोटों से जीते हैं और विजय रूपाणी के इस्तीफे देने के बाद चुना गया है इनको। और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है मेरठ में खोला जाएगा। तो इस तरह इसका वो सिंधु यूनिवर्सिटी जो है लेह लद्दाख में खोला जाएगा। तो हर दिन आपको यहाँ पे प्रश्नों का जखीरा, समझिए लॉट ऑफ क्वेश्चन मिलता है, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो, जीके जीएस ओवरऑल और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य सरकारी नौकरी संतोष के द्वारा। देख सकते हैं ये पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। आप डेली टेस्ट दीजिए, निश्चित ही आपको मिशन जो है आपका पूरा होगा लक्ष्य सरकारी नौकरी के द्वारा।